नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2024-25 में आप बच्चों का HDMS.udice+ पर जर्नल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल तीनों को भर चुके होंगे। कक्षा 2 से लेकर 8 तक, अगर कंपोजिट विद्यालय है तो 2 से 8 तक, और प्राइमरी विद्यालय है तो 2 से 5 तक, और जूनियर विद्यालय है तो वो 6 से 8 तक, आप ये कार्य पूरा कर चुके होंगे। अब बात आती है कि कक्षा 1 और अन्य बच्चों को जो कि क्लास 2 से 8 तक नए एडमिशन हुए हैं, अर्थात ऐसे बच्चों को कैसे ऐड करना है UDICE+HDMS पर जिनका एडमिशन इसी वर्ष हुआ है क्लास 1 में और किसी अन्य क्लास में 2 से 8 तक में। तो मैं आपको बता दूं कि कक्षा 2 से 8 तक के जो बच्चों को ऐड करना है उन्हें ऐड आपको नहीं करना है, आप केवल SO2 फॉर्म भरेंगे। उस फॉर्म की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे, उसे भरकर अपने BRC ऑफिस पर जमा कर देंगे, तो आप कक्षा 2 से लेकर 8 तक के नए बच्चे के जो एडमिशन हुए हैं उन्हें UDICE-HDMS पर ऐड करा पाएंगे। और अगर ऐसे बच्चे हैं जिनका पहले किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन था तो उन्हें केवल आपको ट्रांसफ़र लेना है ट्रांसफ़र मॉड्यूल पर जाकर। SO2 केवल उन्हीं का भरा जाएगा जिनका कभी किसी विद्यालय में नामांकन रजिस्ट्रेशन नहीं था। नए बच्चों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्लास 1 अर्थात कक्षा 1 के बच्चों को HDMS.udice+ पर ऐड करने के लिए आपको HDMS.udice+.gov.in अपने क्रोम ब्राउज़र या आप जिस भी ब्राउज़र का यूज़ करते हैं उस पर लॉगिन करना होगा। सबसे नीचे दिए गए स्थान पर सेलेक्ट स्टेट दिया गया है, इस पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया और गो पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमें अपने विद्यालय का यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भर के लॉगिन करना है। ये मैंने यहाँ पे अपने विद्यालय का UDICE कोड, पासवर्ड और कैप्चा भर लिया और अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो इस तरह से ये यहाँ पे पेज खुल के आता है। तो यहाँ पे हमें 2425 को सेलेक्ट करना है, 2425 पे सेलेक्ट किया। अब हमें विद्यालय की यहाँ पे प्राइमरी इंफॉर्मेशन शो होगी, इसे रीड करने के बाद में, चेक करने के बाद में हम क्लोज पे क्लिक कर देंगे। क्लोज पे करने के बाद में ये सबसे ऊपर स्कूल डैशबोर्ड खुल के आता है। यहाँ पे आपको क्लास, सेक्शन और उन क्लास सेक्शन में दिए गए आपके रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या अभी तक शो हो रही होगी, लेकिन क्लास A1 में अर्थात उसके सेक्शन में आपको जो है संख्या बच्चों की, अभी ये क्लास 1 है और इसके सेक्शन A है, इसमें आपको अभी यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल की संख्या 0 और टोटल भी 0 शो हो रहा है, क्योंकि अभी इसमें रजिस्ट्रेशन हमने नहीं किया है, नए बच्चों को ऐड नहीं किया है। जबकि आपको नए बच्चों को ऐड करना है उसके लिए ये ब्लू कलर का ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन इसमें एक्टिवेट हो गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके अलावा क्लास 2 से लेके 8 तक की क्लास में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि SO2 फॉर्म भर के आपको अपने BO ऑफिस में जमा करना है, वहीं से आपको इन क्लास के बच्चों को ऐड कर पाएंगे। तो हम कक्षा 1 के बच्चों को UDICE-HDMS पर कैसे ऐड करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको जनरल प्रोफाइल भरना होगा। जनरल प्रोफाइल में आपको बच्चे का नाम भरना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, मदर नेम भरना है, गार्जियन नेम भरना है, नेम ऑफ स्टूडेंट एस पर आधार भरना है, और उसके बाद आपको उसका जेंडर सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट स्टेट कोड ऑप्शनल है, ये भर भी सकते हैं आप, नहीं भी भर सकते हैं। अगर आप ये तब भरेंगे जबकि आप बच्चे का पहले से कहीं पर एडमिशन था और
उसे ये कोड अलॉट है। फिर नीचे आपको फादर नेम भरना है, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट भरना है और एडमिशन डेट भरनी है और आपको लास्ट में सेव कर देना है। आपको आधार नंबर मैं बता दूं, अगर बच्चे का वर्तमान में आधार उपलब्ध नहीं है तो आप 12 बार जो है नो भर सकते हैं, 9 डिजिट को 12 बार भरकर सेव कर देंगे और उसे जैसे ही आधार उपलब्ध हो आप उसे एडिट करके उसके रियल आधार नंबर को यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आपको तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर तो आप 12 बार नो भर सकते हैं और बच्चे को इस पर ऐड कर सकते हैं। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो बात बता दूँ, ये आपको सारा डिटेल इंग्लिश में ही भरना है, अन्य किसी भाषा में नहीं भरना है। आप इसकी इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के लिए ऊपर जो ऑप्शन दिया है लैंग्वेज का उसे चेंज कर सकते हैं हिंदी भाषा में। देखिए यहाँ पे ये 3 पड़ी लाइन है, इन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इन पर पड़ी लाइनों पर क्लिक करेंगे तो ये लैंग्वेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी आ रहा है, तो हिंदी पे आप जब सेलेक्ट करेंगे तो केवल आपको यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई शो हो जाएंगी हिंदी में, आप इनको पढ़ने में आसानी होगी। लेकिन आप जब इसमें नाम भरेंगे तो वो आपको इंग्लिश में ही भरना है, न कि हिंदी में भरना है। आप यहाँ पे हिंदी में डाटा नहीं भर पाएंगे और ना ही भरना है, आपको यहाँ पे केवल इंग्लिश में डाटा भरना है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो मैं इसको दोबारा से इंग्लिश में चेंज कर लेता हूँ, जी मैंने इंग्लिश में चेंज कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम सब भरना है, एक में कॉलम में आने हैं, फर्स्ट भी मिडिल भी और लास्ट भी। अगर किसी का फर्स्ट ही फर्स्ट नेम है तो हम फर्स्ट ही फर्स्ट यहाँ पे भरेंगे। ये सारा डाटा भरने के बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपको मैसेज दिखाई देगा कि ये डाटा आप चेक कर लीजिए और इसमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और ये साइड लेफ्ट साइड में जो चेक बॉक्स है इन पर सभी पर क्लिक करना है आपको। टिक का निशान लगाने के बाद में आपको ये कंफर्म पे क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डाटा जो है सेव हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन क्लास 1 में हो जाएगा। इस एक बच्चे के रजिस्ट्रेशन के बाद आप ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके दूसरे बच्चे को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको नई एंट्री जितनी भी की हैं उनकी लिस्ट को देखना है तो गो टू न्यू एंट्री पर क्लिक करके वो सारी लिस्ट देख सकते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूँ, अगर आपको डायरेक्ट नई एंट्री करनी है तो ऐड न्यू स्टूडेंट पर यहीं से क्लिक करके आप नए बच्चे को यहां से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष जो है दोबारा से वो जनरल प्रोफाइल वाला पेज खुल के दूसरे बच्चे के लिए आ जाएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस पेज का जो डाटा है दिन में केवल 2 बार अपडेट होता है। यहाँ पे ऊपर दिया है कि 22 सितंबर 2024 को 11:30 पर लास्ट टाइम ये डाटा अपडेट हुआ था। तो जब तक ये डाटा दोबारा अपडेट नहीं होगा तो आपको ये बच्चों की आज जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी संख्या ये 0 ही शो होएगी। जब तक के ये आप इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें, और रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेंगे तो ये नेक्स्ट डे या 12 घंटे बाद आपको नए बच्चों की संख्या यहाँ पे 0 के स्थान पर 100 होने लगेगी। इस तरह से आप समस्त कार्य को समाप्त कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।